बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र और रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी दोस्तों, आज हमारे टीम मेंबर और भाई की सालगिरह है, तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे। और मैं हूँ, मेरे साथ है मोहसिन भाई यहाँ पे। तो मोहसिन भाई, आज का फिर क्या प्लान है? जी इंशाल्लाह मियाँ साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपके वो कज़न भी हैं अरसलान साहब, तो उनकी आज सालगिरह है, तो इस मौका पर हम 5-6 दोस्त इकट्ठे हुए हैं। तो ये तो अब मियाँ साहब आप ही बताएंगे हमें, आपने कहाँ पे लेके जाना है। तो जैसा कि दोस्तों मोहसिन भाई का आपने सुन लिया कि मोहसिन भाई ने आपने को क्या कहा है, तो इसमें मैं हूँ और मोहसिन भाई है और दो भाई जो और हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मोहसिन भाई से मैंने कहा था कि उनको लाजमी कहें कि यार टाइम पे आ जाएं, तो लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। 6 बज चुके हैं, तो मोहसिन भाई क्या कहते हैं कि वो कब आएंगे? अच्छा वैसे भाई, वो मेरी ना अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो एक जो मेरा दोस्त है वो कह रहे मैं अकेडमी बंद करके आ रहा हूँ, तो दूसरा भी इंशाल्लाह जल्द अन करीब पहुँच रहा है 5-10 मिनट में। तो मज़े की बात मैं आपको एक बता दूं कि इस बात का अरसलान को अभी नहीं पता कि हम उसकी सालगिरह जो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बाकी बेकरी से हम केक लेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे। आशा के उस्मान भाई आ चुके हैं, तो उस्मान भाई से मिलते हैं। उस्मान भाई कैसे हैं? जरा हाजिर आते हैं आप। हाँ जी, कैसे हैं? कैसे ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि भाई मोहसिन और उस्मान भाई तो रवाना होने लगे हैं अभी जी। तो चलिए मोहसिन भाई, जैसा कि दोस्तों हम जा रहे हैं अरसलान भाई की तरफ, उसे ज़रा भी नहीं पता कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम केक लेंगे। आ दो पाउंड का? ये दो पाउंड चार चार का वो दे जाएगा बस। चॉकलेट वाला नहीं है क्या अपना? चॉकलेट वाला रहेगा। ये पाउंड वाला करो, मुझे कारखाना लग रहा है। हां जी, ये शकील पट्टी दे मेरी केक हमने ले लिया है, तो इसको पैक कराएंगे। भाई थोड़ा सा लेट आए हैं, तो हमेशा इनकी यही आदत है कि ये लेट ही आते हैं। ये भाई आ गए, ये भाई स्पेशल बुलाए गए हैं आपके लिए। तो ये मैंने केक ले लिया है और मोहसिन भाई जो है बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो चलिए अब जी। तो अस्सलाम भाई आ गए हैं अभी, तो अभी इनकी कोई मीटिंग चल रही है। तो सर आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई है? सर हमारी मीटिंग मोहसिन भाई से। जी मोहसिन भाई, तो क्या ख्याल है? बड़ा ही प्यारा सूट। तो इनके अरसलान भाई की रिंग बेल। अरसलान भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, मुगल न्यूज़ की जानिब से, मौसम मुगल की जानिब से, हमारी जानिब से। अरसलान भाई उतर उतर उतर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरसलान भाई हैप्पी बर्थडे यार, तुम सानू पहले दसया नहीं बेटी सारे के मैं भी केक ले आऊंगा। ये अपने ये की तरफ से ये सर अपने हाथों से। अरसलान भाई सोचना को देगा ले। आखिर मैं आपका भाई आ रहा हूँ भाई। ओ यहाँ पे आ गए हैं। माशाल्लाह जैसा कि आपको बताया था कि अरसलान भाई को ज़रा भी खबर नहीं थी, तो अरसलान भाई कैसा लगा फिर आपको? कैसा लगा सरप्राइज मौसम मुगल की और वैस की जानिब से? सर वीडियो बन रही है आपको? मैं और क्या ना ये शॉपिंग। तो शकील भाई आपको कैसा लगा? जी मुझे ये पहले पता होता कि अरसलान भाई आपको भी सरप्राइज था, मुझे भी सरप्राइज था आपकी सालगिरह का। अल्लाह पाक आपको खुशियां दे जी। हम तो आपको है मौसम भाई से एक बात पूछनी थी भाई। जी मौसम भाई, मौसम भाई आपको क्रिकेट का कितना मजा आता है? शकील भाई मुझे क्रिकेट का उतना ही मजा आता है जितना आपको एफएम पे प्रोग्राम करने का आता है। ये तो आपकी हाजिर जवाब भी है माशाल्लाह। तो मोहसिन भाई ने अपने भाई की शादी पे डांस नहीं किया? इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच था, जब पाकिस्तान की जीत हुई
तो मौसम भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज से, वो भी छोटे के साथ ले न्यूजीलैंड का मैच था, मैंने जिंदगी में कभी मैच नहीं देखा, चाहे वो इंडिया का हो या चाहे पाकिस्तान का, लेकिन मैंने मौसम भाई का सारा तबसरा सुना और बाद में इसका जो वीडियो क्लिप रिलीज हुआ, बड़ा ही मजा आया यार। मैंने कहा मौसम भाई दिल से शौकीन है पाकिस्तानी टीम। तो उस्मान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर उस्मान भाई, आपने हमें बुलाया और सब मोबाइल न्यूज की टीम को बुलाया आपने, हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया सर। आपको एक बात बता दूं कि इनवाइट उन्होंने नहीं किया। नहीं भाई अब आप करें, अब आप ये कहना हुई मैं तो डर गई। शकील भाई प्लीज उन्हें भी सरप्राइज और हमें भी सरप्राइज। मोहसिन भाई हमेशा सरप्राइज देते हैं और वक्त की पाबंदी तो कोई मोहसिन भाई से सीखे। क्यों वैस भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसा कि अरसलान भाई अब केक काटने लगे, इसलिए अरसलान भाई से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी केक काटें। जी अरसलान भाई जल्दी से जल्दी अपना भाई की सालगिरह। तो हमारे साथ बड़े ही काबिले एहतराम मिर्ज़ा उस्मान और मोहसिन मुगल, ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह मुगल न्यूज़ के चीफ ऑर्गेनाइजर है, चीफ एडिटर है जनाब काबिले मोहतरम, और ये है मियां अवैस पूरे वाला शहर आपका। तो जी सरप्राइज दिया है मोहसिन मुगल और अरसलान भाई को भी और अभी सालगिरह है। तो जी अभी सालगिरह पे डाक पहने शुरू नहीं हुए। चले अरसलान भाई मशहूर और मरूफ आदमी लजीज सियासी हरदी लजीज शख्सियत माशाल्लाह शकील साहब अल मारूफ बाबा मलकू, बाबा मलकू के नाम से इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की है और बहुत नाम दिया है भाई, सालगिरह मेरी नहीं है अरसलान भाई की है। और ये हमारे साथ है जनाब अरसलान भाई जिनकी आज सालगिरह है और हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मिर्ज़ा उस्मान साहब है जैसा कि शकील भाई ने बताया है, अरसलान साहब है और ये बंद हो गई है, और ये जनाब मियां अवैस साहब हमारा प्यारा शहर पूरे वाला के चीफ एडिटर। थैंक यू। अभी ये केक के कटिंग सर बन कटिंग अरसलान भाई में कुछ तो खास है। अरसलान भाई एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, कोई भी इंसान इनसे मिले वो इनका फैन हो जाएगा जनाब। इनमें यही टैलेंट है और ये टैलेंट इनमें कूट कूट के भरा हुआ है जनाब, ये अजनबी को अपना कर लेते हैं। अरसलान भाई आपके लिए हैप्पी बर्थडे मोहसिन मुगल की जानब से, अवैस की जानब से, शकील भट्टी की जानब से, मिर्ज़ा उस्मान की जानब से। थैंक यू थैंक यू। तो अभी अरसलान भाई आप केक काटें। नहीं, अभी इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को? क्या पैगाम देंगे? आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सब भाई मेरे इस खुशी के मौके पे। और क्या मोहसिन भाई आपको एक खुशी अरसलान भाई की सालगिरह की है जी। मुझे तो अब पता चला कि आप क्रिकेट के भी दिल दादा है। क्यों जी? क्रिकेट पे इन्होंने ऐसा खुशी जमाई है, अपनी फेसबुक पे भी रंग दिखाया है और मेरे ख्याल में बाकी ने मुझे ये भी बताया कि इसने नफल सुखे हुए थे भाई। कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा तो मैं इतने नफल पढ़ूंगा। काफी जज्बाती था मैं, मतलब मैं देखा मुझे यकीन करें इतनी ज्यादा खुशी थी। इंडिया पाकिस्तान की तो थी थी, वो तो मतलब हर एक को होती है, लेकिन जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच था उसमें बहुत सारा मैं ना मतलब अपना आधा किलो तकरीबन खून जो रखना निकल गया। उसकी वजह ये भी इतना वो एक जज्बा होता है कि पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने या पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया था, वाक आउट किया था इन्होंने पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा ये एक मौका था इनको वो जवाब देने का। तो यकीन करें मुझे
बहुत ज्यादा खुशी अभी हम इस खुशी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए हां क्योंकि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान नहीं मौसम भाई आपको मेरे भैया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अरसलान भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बहुत बाजी हो गई बाजी हो गई हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे जी हैप्पी बर्थडे मैं भी तो आयशा जी मुझे होता जी ना हैप्पी बर्थडे तो जैसा कि अरसलान भाई ने केक काट दिया मैं आपका केक लियो था चाहे तो मुझे नहीं दचे यानी ये मैं नहीं दचे हूं मैं आज कर नहीं भी भेज दिन दा क्या है नहीं भेज दिन दा है मुझे नहीं भेज दिन दा तो निकाल लो जी आपको केक भी निकाल लो जो भैया भाई उन्हें कौन है उन्हें कौन है मैं खा के रहा तो शकील भाई को केक खिलाएंगे अरसलान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह प्यार मोहब्बत बरकरार रखे हम दोस्तों में तो अभी मोहसिन भाई को केक खिलाएंगे मुझे ले मोबाइल तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट ले जी माशाल्लाह मोहसिन भाई को केक खिलाया जा रहा है माशाल्लाह कब से इंतजार में बैठे थे खाने के अच्छा जी शकील भाई आसिफ चौधरी साहब हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं इन्होंने बताया ख़ास तौर पे कि ये भट्टी साहब के दोस्त हैं जी जो बेकरी वाले हैं और ये उन्होंने उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा प्यार भी किया है मौसम भाई अपना वो सेंसर करवाऊंगा प्यार मोहब्बत चांद गुरू से दोस्तों में आए अल्लाह पाक ये हुई कैम कायम रखे आमीन इसके बाद खाने का भी प्रोग्राम है वो भी हम आपको दिखाएंगे तो उस्मान भाई वीडियो शूट कर रहे थे उस्मान भाई बैठ जाएं आप भी ये ट्राई टू तो मोहसिन भाई भी केक खा रहे हैं तो सभी मिलके हमने प्लेटों में केक नहीं डाला तो हमने केक को ही शुरू कर दिया चमचियों के साथ तो मोहसिन भाई सुनाएं फिर मज़ा आ रहा है माशाल्लाह फ्रेश केक है और खाने में इतना मज़ेदार है यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है तो उस्मान भाई आपने टेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक मैं भी टेस्ट करने लगा मेरी बारी है तो शकील भाई जबरदस्त जी केक में मिठास तो बननी थी आप इतने प्यार से लाए क्यों अरसलान भाई तो अरसलान भाई आप नहीं खा रहे अरसलान भाई ने चटे कुछ असल में अरसलान भाई शौक ही ऐसे हो गए कि उनकी भूख ही जो है खत्म हो गई है तो अभी केक जो ना हमने केक ऐसे वाला कर दिया है कि बस छोड़ ही दे काटने वाला उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं तो होटल पे पहुंच के आपको बताएंगे कि कौन सा होटल है आ तंदूर नहीं अच्छा मतलब मैं फील किया मैं भी गया सीगा मतलब थोड़ी देरी हुई है तो वो जरा थोड़ा जहा इतना डेवलप नहीं हो सका शायद समझता पर दसा कि भाई जी की रीजन है ए रीजन ए वो जेड़ा माहौल है ना उतों दे लोग खाने वाले ही है रंग भी नी दूसरा जेड़ा वजू खाना भाई तंदूरी होटल पे तंदूरी होटल पे आ गए हैं तो यहाँ पे उस्मान अरसलान और शकील और मौसम तभी पहुंच गए हैं तो अभी जो नेक्स्ट है वो हम होटल के अंदर जाएंगे चलिए सर उसमें के सबसे पहले मैं और बाकी में आ जाएं सर अस्सलाम वालेकुम तो शकील भाई आ गए हैं तो इसके साथ मोहसिन भाई अरसलान भाई और आखिर में उस्मान भाई तो चौथे जाना सी ना हम जाएंगे फोर्थ फ्लोर पर तो अभी लिफ्ट का वेट हो रहा है
तो शकील भाई तो सबसे पहले ये बता दूं कि आज पहली बार जो है लिफ्ट में बैठने लगे हैं। दुबई में हम सैकड़ों पे जाते थे। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तो सभी इसमें चलेंगे। चार तो यहाँ पे चार का जो हमने लिफ्ट एमरजेंसी की सूरत में घंटी या एंटर का बटन दबाए। जैसा कि तंदूरी होटल पे हम पहुंच गए हैं तो ऑर्डर हमने दे दिया है, तो अभी यहाँ पे खाने का वेट हो रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये भाई आखिरी है, ये भाई उतर रहे हैं अभी सीढ़ियों से नीचे। तो नीचे उतर उतर के इनके तो मत ही बच गई है। बस भाई इतनी सी बात थी। तो अभी गाड़ी में बैठने लगे हैं, अपनी अपनी सीट में बैठ जाएं भाई। तो चलें भाई बैठें। इन भाइयों का हमेशा झगड़ा ही रहता है आगे पीछे बैठने के लिए। चलें भाई मौसम सैड दें। तो अपने मेज़बान मियां अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।